बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम राइज एंड शाइन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर से, और आपको ये बताते चलें कि यहां कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में ऐसे जोड़ों का इलाज किया जाता है जो किसी भी वजह से बे औलाद रह जाते हैं, यानी अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजता, तो फिर ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है, चाहे वो बे औलादी मर्द की वजह से हो, शौहर की वजह से हो या बीवी की वजह से। आपको ये बताते चलें कि अब बे औलादी का इलाज जो है ये मुमकिन है, और यहाँ कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में ना सिर्फ मुल्क भर से मुख्तलिफ मशहूर डॉक्टर्स मौजूद हैं बल्कि उसके साथ साथ बैन अल-अक़वामी डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, क्योंकि कराची में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें ये तमाम इशू डिस्कस किए जा रहे हैं। तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर हम लेके आए हैं, इसके मुख्तलिफ हिस्से भी दिखाएंगे और डॉक्टर से भी बात करेंगे, तो आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, तो ये हम अब अंदर आ चुके हैं कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के, और आपको ये बताते चलें कि कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर जो है वो एफिलिएटेड है ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सेंटर से, यानी ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा रिसर्च सेंटर है पर्थ में जहाँ से ये एफिलिएटेड है। और आपको ये बात भी बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा लाइव बर्थ रेट जो है, यानी सक्सेस रेट, हाईएस्ट सक्सेस रेट वो कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर का है पाकिस्तान में, यानी मुख्तलिफ सेंटर्स जो बे औलादी का इलाज करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कामयाब जोड़े इलाज करवाते हैं कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर से। आप देख भी रहे होंगे ये लिखा हुआ है हाईएस्ट लाइव बर्थ सक्सेस रेट इन पाकिस्तान, और अब आपको अंदर भी लेके जाएंगे, रिसेप्शन भी आपको दिखाते हैं, इसके अलावा जो मज़ीद लैब्स हैं और चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, तो ये कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर का रिसेप्शन है, आप देख रहे होंगे, और इस रिसेप्शन पे बाकायदा पेशेंट्स को गाइड किया जाता है कि उनकी प्रॉब्लम के लिहाज से उन्हें किस कंसल्टेंट के पास जाना है, किस तरह स्क्रीनिंग होनी है, किस तरह लैब में जाना है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस का एक बड़ा रिसेप्शन यहाँ मौजूद है, पेशेंट्स को राइटली गाइड करके सही जगह पर भेजा जाता है। आइए अब आपको कुछ और हिस्से कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के दिखाते हैं। ये कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे गाइड किया जाता है कपल्स को कि उन्हें कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, किस कंसल्टेंट से मिलना है, लैब में कैसे जाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ये है कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, जहाँ से कपल्स को सही गाइड करके सही जगह भेजा जाता है। जी नाज़रीन, यहाँ हम अब मौजूद हैं कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में, और आप भी बताते चलें कि हमारे साथ एक डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है, और ये पैनल ना सिर्फ पाकिस्तान यानी हमारे मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर पर मुश्तमिल है बल्कि उसके साथ साथ बैरून मुल्क से जो डॉक्टर यहाँ कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं वो भी हमारे साथ शरीक हैं। तो इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबसे पहले जो हमारे पैनल में डॉक्टर्स मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे साथ जो सबसे पहले डॉक्टर हैं, डॉक्टर जॉन केविन आर्टली, ये ऑस्ट्रेलिया पर्थ में इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी पे इनकी ख़ास स्पेशलिटी है। बेसिकली इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन से, लेकिन उसके बाद तकरीबन 6 साल पहले ये ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए, और अब बाकायदा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रैक्टिस करते हैं, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, यानी जिस तरीके से जोड़ों को मदद की जाती है औलाद के हुसूल में, उसमें मदद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, हम इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे शो में। डॉक्टर जॉन केविन आर्टली, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ओके, दूसरे गेस्ट का आपसे तारुफ कराना चाहूँगा, इनका ताल्लुक़ भी ऑस्ट्रेलिया से है यानी पर्थ से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये भी मास्टर ऑफ़ सर्जरी भी हैं, मास्टर ऑफ़ मेडिसिन भी हैं, और ये तमाम चीज़ें करने के बाद इनका रुझान गायनी और ऑप्स की तरफ हुआ, और न सिर्फ ये कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हैं बल्कि उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, और मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट्स हैं उनमें स्पेशलिटी रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ग्राम थॉमसन।
ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. اور ناظرین ہماری جو تیسری گیسٹ ہیں یہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. کوئی ورک شاپ ہو, ٹریننگ ہو, یا گائنی کی بات کی جائے, ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی بات کی جائے, خواتین کی بات کی جائے, آپس کی بات کی جائے, ان تمام چیزوں میں ایک نام جو سب سے زیادہ لیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ لوگ جانتے ہیں وہ ہے ڈاکٹر سعدیہ پال کا. تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم ڈاکٹر سعدیہ پال. خوش آمدید کہتے ہیں شو میں. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر سعدیہ, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو انفرٹیلیٹی یا بے اولادی ہوتی ہے یہ کسے کہتے ہیں, کیا ہوتی ہے یہ؟ یہ دیکھیں اس میں عمر سے ہم لیتے ہیں خاتون کی اور ان کے شوہر کی عمر کیا ہے. اگر عمر 30-35 سال سے اوپر جا رہی ہے تو ہم انفرٹیلیٹی کی انویسٹیگیشنز جلد شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ بہت ریپڈلی کافی تیزی سے فرٹیلیٹی کم ہو رہی ہوتی ہے عمر جیسے جیسے بڑھ رہی ہوتی ہے. تو اگر ایک شادی شدہ کپل ہے اور انہوں نے 6 مہینے اگر زیادہ عمر ہے, ورنہ سال تک وہ کوشش کر رہے ہیں بچے کی پریگننسی کی, اور پریگننسی نہیں ہو رہی, تو پھر اس کو ہم انفرٹیلیٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کا جتنا جلد سے جلد انویسٹیگیشن اور علاج ہو وہ اتنا اچھا ہوتا ہے. یعنی ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ہیلدی شادی شدہ جوڑا ہے, تندرست شادی شدہ جوڑا ہے, اور وہ ایک سال تک اولاد کی نعمت سے محروم رہتا ہے, 6 مہینہ یا 1 سال ڈپینڈ کرتا ہے ایج پہ, تو پھر اسے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے. آئی وانٹ ٹو آسک یو ڈاکٹر گرام, میں ڈاکٹر گرام ٹامسن سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ جو بے اولادی ہوتی ہے یہ صرف عورت کی وجہ سے ہوتی ہے, صرف مرد کی وجہ سے ہوتی ہے, یا دونوں کی وجہ سے یہ بے اولادی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر گرام, آئی وانٹ ٹو آسک یو دیٹ از دی فرٹیلیٹی جسٹ بیکاز آف دا فیمیل پارٹنر اور دا میل پارٹنر, اور اٹ کین بی بیکاز آف بوتھ؟ یس, اینڈ ریئلی اٹس اے ٹربل اور problem for the couple rather than male or female. I'd like to point that out. Okay. But it can be either or both. Yes. Okay. ڈاکٹر گرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ عورت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, یعنی بیوی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, شوہر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کپلس یعنی جوڑے کے دونوں افراد میں پرابلمس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ انفرٹیلیٹی یعنی بے اولادی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر جان, آئی وانٹ ٹو آسک یو دیٹ یو نو اس کی یعنی واٹ آر دی کازز آف انفرٹیلیٹی ان بوتھ میلس اینڈ فیمیلس؟ دیر آر اے نمبر. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ ایٹ دی بگننگ دیٹ پروبلی اباؤٹ اے ففتھ آف کپلز, 20%, ہیونگ بین فلی انویسٹیگیٹڈ, وی ایکچولی فائنڈ نتھنگ رانگ ود آئیدر پارٹنر. دیٹ فارمز اے ویری بگ اینڈ کوائٹ فرسٹریٹنگ گروپ فار دی کلائنٹس. But then you've got what we call male factor infertility, various problems with the sperm quality. The female may have blocked fallopian tubes. She may have issues with ovulation, both in terms of timing and quality. But increasingly what we find is that couples presenting actually don't present with one single problem. They tend to present with multiple problems. Typically, a woman may be ovulating, releasing eggs irregularly, and her partner may have just sperm that's just slightly below optimum. And those are quite common scenarios now. But yeah, so there are a number of single factor causes, but quite often it's multiple factors. اوکے. ڈاکٹر جان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف مردانہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, جس میں کہ جرثوموں کی تعداد کا کم ہونا, اس کی موومنٹ کا کم ہونا, کوالٹی اچھی نہ ہونا, یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر کچھ خواتین کی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انڈوں کی صحیح افزائش نہیں ہو پاتی, یا بعض دفعہ کچھ ایسے منتھلی سائیکلز میں پرابلم ہوتی ہے جن کی وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی. تو مختلف فیکٹرز ہیں, ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر گرام, آئی وانٹ ٹو آسک یو دیٹ واٹ آر دا ٹریٹمنٹ پاسبلٹیز فار انفرٹیلیٹی ان پاکستان؟ If it's a female problem and if it's ovulatory, then there are ways of ovulation induction, of producing ovulation, either de novo or to a degree that's acceptable. And if that's the only problem, that's perhaps one of the easiest things in infertility to treat. If it's a severe male factor problem, then it has to go to IVF. But
there are steps before that should it not be a severe male factor problem. It may just be a case of getting the timing right for a start, and that's common. Ultimately though, if everything else fails, it's a case of assisted reproduction in the form of IVF or the more intricate type of IVF. डॉक्टर ग्राम का ये कहना है कि बेऔलादी का इलाज जब किया जाता है तो पहले मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, यानी बाज़ दफ़ा हो सकता है कि कोई ऐसी आम सी चीज़ हो जो आप मिस कर रहे हो जिसकी वजह से आपको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नहीं नवाज रहा हो, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे भी कपल्स हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं बहुत इनिशियल फेज़ में ट्रीटमेंट की, और अगर इन तमाम तदाबीर के बाद या इन तमाम इलाज के बाद अगर कोई जोड़ा कंसीव ना कर रहा हो तो फिर उसके बाद एक चीज़ रह जाती है जो कि IVF कहलाता है, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और आम जबान में लोग इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, लेकिन ये एक मिसनोमर है। यानी बेसिकली IVF क्या है ये भी जानना चाहेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं डॉक्टर सादिया पॉल की जाने पर, इनसे पूछेंगे। डॉक्टर सादिया, ये IVF क्या है? क्योंकि आम जबान में लोग इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं और ये समझते हैं कि शायद ये कोई बच्चा टेस्ट ट्यूब में बनता है या क्या होता है, आप लोगों के लिए बता दीजिएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली IVF? नहीं, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं बनता और आम लोग इसको यही समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। तो इसमें होता ये है कि हम एक औरत को दवाओं के ज़रिए, इंजेक्शंस के ज़रिए आम तौर पे एक महीने में एक एग बनता है। हम दवाओं की वजह से 10-15 बन जाते हैं, फिर उनको आर्टिफिशियल चीज़ ये है कि वो बॉडी में वो उनको रिलीज़ नहीं होने देते, हम अल्ट्रासाउंड से गाइडेड पिकअप होता है उसका, ठीक है। और फिर हस्बैंड अपना सैंपल देते हैं और उसको आप समझे एक माइक्रोस्कोप के अंदर देख रख के उनको फर्टिलाइज़ किया जाता है। अच्छा, ठीक है। हस्बैंड का सैंपल, मदर के एग्स, और इस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है और बेबी बनता है। ये जो बच्चे की अफजाइश होती है ये रहम मादर में ही होती है, यानी ये लोग जो समझते हैं IVF इसलिए कहा जाए क्योंकि बॉडी के बाहर हो रहा है, उसके बाद फिर बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब वो बेबी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वो नॉर्मल तरीके से डेली उसको चेक कर रहे होते हैं, और अगर वो सही ग्रो कर रहा है, नॉर्मल लग रहा है, तो तीसरे दिन या पाँचवें या छठे दिन हम उसको मदर के यूट्रस में डाल देते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में जो इलाज दिया जाता है ये दूसरे सेंटर से किस तरह मुख्तलिफ है? हम अपनी ही बात कर सकते हैं क्योंकि दूसरे सेंटर्स को तो हम नहीं मॉनिटर कर रहे होते, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे सेंटर्स मुख्तलिफ शहरों में बन गए हैं। हमारा सेंटर बहुत अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। हमारी जो पेरेंट ब्रांचेज हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हैं, पर्थ ऑस्ट्रेलिया इज़ द मेन सेंटर जिसकी हम एक ब्रांच हैं। अच्छा। तो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और हमारी जो गाइडेंस है वहीं से आ रही होती है मोस्टली, और हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, आपको पता ही होगा जो बेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं और दवाएं हैं और जो हम बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं हम करते हैं, स्पेशली इसको मद्देनज़र रखे कि हम पाकिस्तान में ये कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे कर रही, ये हमारे जो क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो अपनी पॉकेट से पे कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि रिज़ल्ट जितना बेहतरीन हो, तो ये हमारी कोशिश उतना ही बेहतर जी। बाकी सेंटर्स भी आई एम श्योर यही कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में तो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, अपने बारे में आप जरूर बता सकते हैं, अपने बारे में ही कह सकते हैं। अच्छा डॉक्टर सादिया, डॉक्टर ग्राम एंड डॉक्टर शॉन, आप सबसे बातचीत होती रहेगी, एंड विल बी टॉकिंग टू यू, वी जस्ट वांट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। नंदनी, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आप भी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान विद डॉक्टर बुलंद इकबाल। नहीं नहीं है सुबह,
जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम है राइज एंड शाइन पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। यहां कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें जो मेरे साथ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है जिसमें हैं डॉक्टर जॉन केविन आर्टले मेरे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ग्रैम टॉम्सन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं लिज बेडो। इन तमाम लोगों से बातचीत हो रही है। सबसे पहले मैं जॉन केविन आर्टले से भी बात करना चाहूँगा। डॉक्टर जॉन, कैन आई आस्क यू दैट यू नो व्हाट आर द ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ फॉर मेल इनफर्टिलिटी? लाइक इफ़ अ मेल इज़ इनफर्टाइल, हिज स्पर्म क्वालिटी इज़ नॉट गुड, हाउ डू यू ट्रीट इट? The important thing to do first of all is to do some thorough investigations. Some forms of male infertility are treatable by hormonal manipulation, but only by testing can you show that. Unfortunately, the majority aren't, but it's important to make sure that we catch those that can be treated that way. The usual way of approaching male infertility is to choose the best treatment that will work for the couple with the quality and number of sperm that one has available. And that may include simple interventions such as timed insemination, but quite often it involves IVF and even in more severe cases, IVF with the addition of sperm microinjection, so-called ICSI. Okay. मैंने डॉक्टर जॉन केविन आर्टले से ये पूछा कि अगर कोई मर्द ऐसा हो, यानी जोड़े में से अगर शौहर को प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही है, तो उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? इनका ये कहना है कि ऐसे लोगों में रिवर्सिबल कॉसेस देखे जाते हैं, यानी अगर हार्मोन्स की कमी है तो उन हार्मोन्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, और ख़ास तौर पे ऐसे केसेस को पिक किया जाता है जिसमें ये जो वजूहात हों ये रिवर्स हो सकें, यानी जिसका इलाज किया जा सके। और फिर अल्टीमेटली अगर इलाज नहीं हो पाता तो फिर एक तरीका रह जाता है कि IVF कराया जाए, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाए, जिससे कि बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस होते हैं कि उस जोड़े को औलाद मिल जाए। अब मैं डॉक्टर ग्रैम टॉम्सन से जानना चाहूँगा कि ये जो IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें सक्सेस रेट कितने परसेंट होता है, यानी कितने परसेंट ऐसे जोड़े होते हैं जब इलाज किया जाता है, अगर 100 लोगों का इलाज किया जाए तो कितने लोग उसमें से खुशनसीब होते हैं जिनको के औलाद की नेमत मिल जाती है? डॉक्टर ग्रैम टॉम्सन, आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट व्हाट्स अ सक्सेस रेट ऑफ IVF इन पाकिस्तान? लाइक इफ आई आस्क यू दैट इफ 100 कपल्स आर बींग ट्रीटेड with the one IVF cycle, how many of them are going to be successful to get live birth? I don't want to split hairs, but we must think about this in relation to the age of the patients. But overall in Pakistan, the success rate is somewhere in the order of 40 to 60%. 40 to 60%. Yes. Okay. And what do you say? I mean, if the those who fail to conceive, if they try for the second cycle, so is there any success rate for the second time as well? Absolutely. There's what we call a cumulative success rate, which is from one cycle you've got X amount of success, and if they're unsuccessful in that one, you've got the same degree of success in the following cycle. And the following cycle. डॉक्टर ग्राम का ये कहना है कि अगर 100 लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है तो 40 से 60 जोड़े ऐसे होते हैं जो कि खुशनसीब होते हैं, जिनको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजता है। लेकिन वो 40 लोग जो कि पहले साइकिल में कंसीव नहीं कर पाते, उनके पास सेकंड साइकिल में एक दफ़ा दोबारा ट्राई करने का चांस होता है, और सेकंड साइकिल में भी सक्सेस रेट यही होता है 40 to 60%। यानी अगर कोई फर्स्ट साइकिल में कंसीव नहीं कर पा रहा है तो फिर उसके पास ये चांस है कि वो सेकंड साइकिल में दोबारा ट्राई करे, और फिर हो सकता है कि सक्सेस रेट की वजह से वो सक्सेसफुल जोड़े में शुमार हो जाए। और अब मैं लिज बेडो जो मेरे साथ हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये बेसिकली कोऑर्डिनेट करती हैं, यानी कपल्स को या जोड़ों को गाइड करती हैं कि उन्हें किस किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किस कंसल्टेंट के पास जाना है। तो इनके तरीक़ाकार ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में किस तरह कपल्स को गाइड कर रही होती हैं। Hi Liz, I wanted to ask you that, you know, how do you coordinate with the couples regarding the treatment modalities, that what treatment they should take and what consultant they should follow? How do you treat? How do you coordinate exactly? Sure. I talk to all the patients on the phone and find out if they've had any testing done.
I do recommend what tests they have done before they come to see the doctor. That way they've already got their test results, and it just saves time for the doctor to have to send them off and wait for the reports to come back again. I give the patients all information about an IVF cycle, IUI cycle, so that they can read through that and understand all their risks and side effects to any medication that they may have. I also discuss the fees with them, and we have a counsellor as well, so if they need to see the counsellor, they can see our counsellor as well. Okay. It's a long journey for all the patients. Liz का ये कहना है कि मतलब patients या जो couples आते हैं उनको treatment के बारे में बताया जाता है, इलाज के बारे में साथ साथ ही भी बताया जाता है कि किन किन चीज़ों से उनका इलाज किया जाएगा, कौन से doctors उनका इलाज करेंगे, किस तरह से यानी उनसे coordinate किया जाएगा. इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि side effects क्या हो सकते हैं. ये तमाम चीज़ें खुल के couples को बता दी जाती हैं, फिर उनकी ये सिलेक्शन होती है कि वो किस तरह के ट्रीटमेंट का यानी अपना ख़ुद अपनी पसंद से वो कौन सा ट्रीटमेंट चूज़ करते हैं या मुंतखब करते हैं, ये उनकी चॉइस होती है. तो नाज़रीन बड़ा एक अच्छा तरीका है, यानी कोई चीज़ छुपी नहीं रखी जाती, हर चीज़ खोल के बयान कर दी जाती है. अब मैं डॉक्टर जॉन केविन आर्टली से पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान का ये जो सेंटर है कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या ऑस्ट्रेलिया से उस रिसर्च के ज़रिए हेल्प की जाती है कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर पाकिस्तान को? डॉक्टर जॉन केविन आर्टली, आई वांट टू आस्क यू दैट इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन दी यू नो इन कंसीविंग और द सक्सेस रेट ऑफ सम कपल्स हियर इन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर पाकिस्तान, सो डज द सेंटर इन पर्थ और ऑस्ट्रेलिया it helps in research and technical facilities for Pakistan? Yes, it does. Over the years, we quite frequently get asked for our, we may get information sent about couples that are having difficulties and are asked for our advice. We've also provided quite an amount of support to the clinic over the years in terms of scientific support, clinical support. And we have doctors visiting from Pakistan to update their skills with us. And indeed, the visit that we're doing now is we will be seeing some clients and helping to support the local doctors and the team. Okay, okay. इनका कहना ये है कि बाकायदा जब टीम्स यहाँ पे काम कर रही होती हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बाकायदा उसकी रिसर्च की जाती है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है. साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि यानी अगर कोई हेल्प चाहिए होती है ऑस्ट्रेलिया पर्थ से तो फिर वो हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है. इसके अलावा डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IUI या ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये किस तरह किए जाते हैं. तो दरअसल जो डॉक्टर्स यहाँ कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में काम कर रहे होते हैं ये दरअसल ऑस्ट्रेलिया पर्थ में बाकायदा ट्रेन किए जाते हैं, इन्हें पूरी टेक्निक बताई जाती है, लेटेस्ट रिसर्च बताई जाती है, और ये तमाम चीज़ें सीख के फिर ये हमारे इस वतन पाकिस्तान में ये ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं. Dr. Graham, I want to ask you that you have been Master of Surgery and Master of Medicine, and then from there you decided to be a gynecologist and obstetrician. So what made you come to this field? To do obstetrics and gynecology? Yeah. It interested me for three reasons. One, there was a surgical component and I enjoy surgery. Two, there was a distinct medical component with the endocrinology. And third, and I'm not joking, there is a psychiatric component as well. And all of those three things interested me. I like working with patients. Okay. मैंने डॉक्टर ग्राम से ये पूछा कि ये मास्टर ऑफ सर्जरी भी हैं, मास्टर ऑफ मेडिसिन भी हैं, और इन्होंने ये 1984 यानी 1984 में मास्टर ऑफ सर्जरी एंड मास्टर ऑफ मेडिसिन कर लिया था. उसके बावजूद ये उसके बाद फिर गायनेकोलॉजी और यानी ऑब्स्टेट्रिशियन बने, जो कि कम लोग यानी मास्टर ऑफ सर्जरी और मास्टर ऑफ मेडिसिन होने के बाद कम लोग गायनी या ऑब्स में आते हैं. लेकिन उसकी वजह ये है, इनका कहना है कि एक तो ये कि इसमें सर्जरी इन्वॉल्व होती है, दूसरे इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि मेडिसिन का पार्ट है, और तीसरी बात ये कि एक साइकोलॉजिकल एक इफ़ेक्ट भी आता है, यानी जो आप सेटिस्फैक्शन फील करते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं, उसे अल्लाह ताला की ये औलाद की नेमत हासिल करने में, तो आपको साइकोलॉजिकल तौर पे भी एक सेटिस्फैक्शन मिलती है जिसकी वजह से आप इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं.
अच्छा अब नाज़रीन हम लिज से ये पूछना चाहेंगे कि क्या इनके पास ऐसे जोड़े भी आते हैं जो ये कहते हैं कि हमें बेटा चाहिए या हमें ख़ास तौर पे बेटी चाहिए, तो क्या ऐसे जोड़ों का भी इलाज मुमकिन होता है, उनको किस तरीके से गाइड किया जाता है? लिज आई वॉन्ट टू नो दैट यू नो डू कपल्स कम टू यू विद अ विश टू हैव अ सन स्पेसिफिकली और हैव अ डॉटर स्पेसिफिकली एंड हाउ डू यू गाइड देम? They come to us for both those reasons, depending if they've already got a daughter, they might want to have a son, and vice versa on that scenario. So they might start off not being able to conceive, and then we work through that road first. But if they have conceived in the past, then they will have a specific request for a male or a female daughter or child, yes. Okay. इनका ये कहना है कि बिल्कुल ऐसे कपल्स आते हैं और उनका बाकायदा प्रॉपर जो है उनको गाइड किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। अच्छा नाज़रीन, हम जेंडर सिलेक्शन पे भी बात करेंगे कि क्या ये मुमकिन है कि अगर बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि एक घराने में या एक घर में चार चार पाँच पाँच बेटियाँ होती हैं, बेटे की ख्वाहिश में बेटियाँ होती जाती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आजमाइश करता है या देर से बेटा देता है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बेटियों की बहुत ख्वाहिश होती है, उनके घर में बेटे होते हैं और फिर इसी तरह चार चार पांच पांच बेटे हो जाते हैं, तो क्या ये इलाज मुमकिन है कि अगर कोई जोड़ा ख्वाहिश रखता है कि उसे अल्लाह ताला बेटे की नेमत से नवाज दे या उसे बेटी की रहमत दे दे, तो क्या ये मुमकिन है या नहीं? एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान विद डॉक्टर बुलंद इकबाल। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, प्रोग्राम है राइज एंड शाइन पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम यहां मौजूद हैं कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में और आज हम बात कर रहे हैं बेऔलादी के हवाले से, यानी क्या वजूहात होती हैं बेऔलादी की, किस वजह से लोग औलाद की नेमत हासिल नहीं कर सकते, किस तरह ट्रीटमेंट हासिल किया जा सकता है और किस तरह एक बेऔलाद जोड़ा जो है वो बच्चे की नेमत हासिल कर सकता है। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि हमारे साथ डॉक्टर जॉन कैवन आर्टली मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पर्थ ऑस्ट्रेलिया से है, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ग्रैम टॉमसन और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया पाल। तो ये हमारा पूरा पैनल है जिनसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा ख़ास तौर पे, यानी IVF जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये मुमकिन है कि कोई जोड़ा अगर चाहे कि उसे बेटा मिल जाए या उसे बेटी मिल जाए या बेटी की अल्लाह ताला रहमत से उसको नवाज दे, तो क्या ये अब मुमकिन है या नहीं है, ये हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर जॉन, आई वांट टू आस्क यू दैट इज इट पॉसिबल फॉर अ कपल टू विश फॉर अ सन और अ डॉटर स्पेसिफिकली? That very much depends on where you are accessing treatment. Certain countries or regulatory authorities do not allow couples to choose. If I talk about Pakistan, then Pakistan, I believe it is allowed. They can do that, and it's each clinic probably will have its own guidelines. They will have, for family balancing purposes, as it's called. But yes, within Pakistan, I believe it is allowed. It's allowed. And how much is the success rate of this gender selection? It's practically 100%, because to select the gender, the embryo itself is, the genetics of the embryo are analysed, and therefore it's very clear whether or not it's a male or a female. And if in case there's doubt, and occasionally there is, because it's a biological process, this test, then that embryo is almost certainly not transferred. So it's as near 100% as makes very little difference for the actual success of choosing the right gender, of course. It's still dependent on the success of IVF. Okay. Dr. John ka ye kehna hai ki duniya mein mukhtalif mumalik hain jahan ye procedure allowed hai, kuch aise mumalik hain jahan ye procedure allowed nahi hai,
लेकिन खुशकिस्मती से पाकिस्तान में ये प्रोसीजर अलाउड है, यानी आप अगर चाहते हैं तो जेंडर सिलेक्शन पे आप जा सकते हैं। और खुशकिस्मती की बात, यानी उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जेंडर सिलेक्शन यानी बेटा या बेटी चूज़ करने का जो प्रोसेस है, ये 100% इसमें सक्सेस रेट है। और अगर कोई डाउट होता है तो फिर ऐसा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, यानी ऐसा एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं किया जाता जिसमें डाउट हो। अब मैं डॉक्टर ग्राम से ये जानना चाहूँगा कि जब ये जेंडर सिलेक्शन किया जाता है तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, जेनेटिक मैपिंग किस तरह देखी जाती है, और क्या इससे होने वाले बच्चे की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता जब आप इतना एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग से चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। डॉक्टर ग्राम, आई वांट टू आस्क यू दैट व्हेन यू सेलेक्ट द जेंडर एंड यू मैप द जीनोम ऑफ द बेबी, डज इट इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द बेबी और नॉट इन फ्यूचर? एज फार एज वी नो, इट डजंट अपीयर टू, एंड द एक्चुअल biopsying of the embryo doesn't appear to affect its progression. Okay, like if you're sure enough and you just map the genome of the baby? Gender selection doesn't necessarily mean mapping the genome, but when we're doing gender selection, we do the chromosomal makeup of the baby as well. But gender selection only requires looking at one particular set of chromosomes, and that is the sex chromosomes. Okay. इनका ये कहना ये है कि जेंडर सेलेक्शन जो है उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम देखना होता है, यानी एक्स एक्स है या एक्स वाई है। अगर वाई क्रोमोसोम मिल जाता है तो उसका मतलब है कि पैदा होने वाला बच्चा जो है वो मेल होगा। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो उसका मतलब ये है कि पैदा होने वाली जो बच्ची है उसे लड़की पैदा होना है। तो ये इजी रहता है, मैप करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक क्रोमोसोम चेक करना होता है। और अगर ये चेक हो जाए तो फिर 100% जेंडर सिलेक्शन की जाती है, और कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में ये जो फैसिलिटी है प्रोवाइड की जा रही है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि ख़वातीन में क्या वजूहत होती हैं बेऔलादी की? सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह हम देख रहे होते हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह निकलती है, और इसके अलावा ट्यूब्स जो होते हैं, नलें जो कहलाती हैं उर्दू में, वो बंद हो सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जो वो भी काफ़ी कॉमन हमारी समझा जाता था कि ये जी वेस्टर्न औरतों में ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे यहाँ भी काफ़ी कॉमन है ये। तो ये मेन वजहों में सबसे ज़्यादा यही कॉमन है। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो आप समझें 30-40-50% तक भी औरतों को हो सकता है, लेकिन इसमें ये कोई एक एक स्पेक्ट्रम है आप समझें। अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवरी में चेहरे पे बाल भी होंगे, और अलामत क्या होती है, यानी वो मेरी बहनें जो कि ये प्रोग्राम देख रही हैं, अगर वो अलामत अपने अंदर नोट करना चाहें कि क्या वो सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, इसके 2-3 अलामत हैं जो सबसे ज़्यादा अहम हैं, चेहरे पे, बालों पे, और जनरली बॉडी पे, पूरी बॉडी पे बाल ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर अल्ट्रासाउंड करवाएं तो अल्ट्रासाउंड पे ख़ास खसूसी पिक्चर आ सकती है, एक ओवरी में या दूसरी ओवरी में भी। एक ओवरी में भी हो तो होता ही है कि ये इसमें कोई सिस्ट नहीं बनी हुई होती, ठीक है, कोई ट्यूमर नहीं है ये। बेसिकली जो अंडे होते हैं ओवरी के अंदर वो रिलीज नहीं हो रहे होते ओवरी से, इसलिए तो वो अंदर एक छोटी छोटी छोटे नेकलेस ऑफ पर्ल्स की अपीयरेंस कहते हैं, वो अक्सर उस तरह से नज़र आती हैं, सिस्ट बन जाती है, यानी मतलब दे आर नॉट रियली सिस्ट्स, बट ये कि उनको कहा जाता है और वो कोई ट्यूमर नहीं होता। अक्सर हमारी बच्चियाँ खास तौर पे और यंग, इसका इलाज मुमकिन है पॉलीसिस्टिक ओवरी का? जी जी, बिल्कुल मौजूद है इलाज। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो अपना वज़न ना बढ़ाएं, ठीक है, हेल्दी डाइट रखें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, तो उनका उनकी ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। अच्छा, यानी एक्सरसाइज, डाइट और वज़न अगर ना बढ़े तो फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जो है ये कम हो जाता कम है हो। और अगर होता भी है, किसी को अगर डायग्नोज भी हो गया है, तो वज़न कम करने से भी उसकी अलामत सब ठीक हो जाती है। अच्छा। और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफ। और अगर नहीं हो, उससे भी ठीक नहीं होता, तो हमारे पास दवाएँ हैं
जिनसे जिनके ज़रिए उनको ट्रीट किया जाता है, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हैं, और उसके अलावा अगर वो प्रेगनेंसी जा रही होती है तो हम प्रेगनेंसी के पिल्स देते हैं, अगर वो अभी प्रेगनेंसी नहीं जा रही होती है तो फिर हम उसको कॉन्ट्रासेप्टिव या फैमिली प्लानिंग की गोलियाँ देते हैं, और अगर हेयर उसका मेन इशू है तो उसकी भी दवाएँ मौजूद हैं, एंटी एंड्रोजेनिक दवाएँ होती हैं जो हम दे सकते हैं उसकी ट्रीट उसके इलाज के लिए इलाज। तो ये इसका कोई एक इलाज नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उसका मसला क्या है, उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के हिसाब से इलाज किया जाता है। डॉक्टर सादिया, मैं अपने नाज़रीन के लिए ये भी पूछना चाहूँगा कि एक जो IVF का साइकिल होता है, या जब एक जोड़ा आपके पास आता है, तो तकरीबन अगर उसका IVF किया जाए तो कितना ख़र्चा आ जाता है इस एक साइकिल पे? देखें, ये मैं पैसों से तो डील नहीं करती, लेकिन ये लाखों लाख की इलाज है, आप किसी भी सेंटर में चले जाएं। ये मैं आपको बता सकती हूँ कि यही इलाज अगर वो बाहर जाके कराएंगे तो मिलियंस में आएगा। हाँ, 10-20 गुना, 50 गुना भी ज़्यादा हो सकता है। तो हमारे मुल्क में चूँकि दवाएँ रिलेटिवली थोड़ी सी सस्ती हैं और हमारे डॉक्टर भी सस्ते हैं और भी बहुत चीज़ें सस्ती हैं, तो हमारे यहाँ जनरली ये काफ़ी सस्ता इलाज है। सस्ता इलाज है, ओके। डॉक्टर जॉन, हाउ डिड यू फाइंड पाकिस्तान, दिस कंट्री? आई मीन, यू हैव कम हियर, हाउ डिड यू फील? वेल, आई हैव ओनली बीन हियर अ रिलेटिवली ब्रीफ टाइम। आई थिंक इट्स फैसिनेटिंग। वन ऑफ माय एमेचर पैशंस इज हिस्ट्री, and the history of, is this the first time you come here? It's the first time, yes. I'm looking forward to learning a lot more about it. It's very lovely people, very hospitable, and the food is just fantastic. We've been extremely well looked after, so yes, so far enjoying it very much. डॉक्टर जॉन से मैंने पूछा कि इनको पाकिस्तान आने के एक्सपीरियंस कैसा लगा। एक तो ये कि पहली बार पाकिस्तान आए, दूसरे ये कह रहे हैं कि इनको बहुत अच्छा लगा है, एक हिस्ट्री और एक तमाम चीज़ें होते हुए, और ख़ास तौर पे यहाँ का खाना, लोग, तो ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा है पाकिस्तान में। डॉक्टर ग्राम, हाउ डिड यू फाइंड दिस कंट्री? आई एक्चुअली लव इट। दिस इज माय सेकंड टाइम हियर एंड आई हैव टू एग्री विद डॉक्टर विद केविन जॉन सॉरी इट इज केविन इन ऑस्ट्रेलिया दैट द पीपल आर डिलाइटफुल एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट बिकॉज़ वी आर ऑन टेलीविजन। व्हाट इज द फेवरेट थिंग इन पाकिस्तान हियर फॉर यू? फूड। अच्छा, इनका भी कहना है कि सेकंड टाइम पाकिस्तान आए, दूसरी दफ़ा, लेकिन इनको बहुत अच्छी लगी है ये मुल्क, और ख़ास तौर पे खाना जो है वो इनका सबसे पसंदीदा है यहाँ पे। आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी कोशिश यही है कि अगर एक भी जोड़ा इससे मुस्तफ़ीद होके और औलाद की नेमत हासिल कर लेता है तो फिर हम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।